कैंडो का स्ट्राइप रवि जी है .224 for 2 after 19 overs. Game going at a snail's pace over here now. Over rate 10.3 overs per. Quite ridiculous if you ask me. That's pulled away nicely. Should be a boundary, and it is. Score moves on to 228. He's batting beautifully, Pradeep. He's on 116 of just 65 deliveries. 14 fours, 3 sixes. Oh, finally, he has got it. He's got a run out, and that was a good catch. गुस्से में हैं पर बहुत देर हो चुकी है अब. फिलहाल पूरे 20 ओवर खेले हैं. हालांकि 5 गेंदें बची हैं, पर फिर भी प्रदीप ने बहुत बढ़िया काम किया. मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपनी टीम को एक बहुत जबरदस्त पोजीशन में छोड़ के जा रहे हैं. हालांकि विकेट टेकिंग गिरी थी, पर आगे आके मारा. ये बताता है कि शॉर्ट पिच होती तो शायद एक और बाउंड्री या छक्का लगता. बढ़िया कैच, बढ़िया कैच और बढ़िया पारी. कहना पड़ेगा प्रदीप बेहतरीन पारी के लिए. 116 की 228 पे 3. गैप में फिर गया. 2 रन तो आसानी से मिलेंगे, क्या पता 3 हो जाए, क्योंकि अब तक फील्डिंग इतनी बढ़िया नहीं रही है. कप्तान सुदीप किचा अब आए हैं. पहले ओवर से हेलमेट और ग्लव्स पहन के तैयार थे और दूसरे खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहे. अब बाकी बची हुई जो गेंदे हैं, अब मुझे लगता है कि ध्रुव के ऊपर है कि ये बाकी बची हुई 4 गेंदे किस तरह से मैक्सिमाइज करेंगे. और एक बेहतरीन शॉट ध्रुव का. टाइमिंग देखिए, 4 रन. बेहतरीन टाइमिंग. जिस तरह से ध्रुव बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पे सिर्फ 20 गेंदों में. स्कोर है 228 पे 3. और एक चौका, लाजवाब शॉट, शानदार शॉट. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट.
स्कोर हो गया 240 20 ओवर इस समाप्ति पे 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन बनाए। चट्टान जैसा स्कोर है रोहन 240 20 ओवर में और कंसिस्टेंटली रन रेट वही मेंटेन किया, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी पारी खेली प्रदीप ने। बुलडोजर्स का डग आउट जायज है, बहुत खुश होगा। टॉप ऑर्डर बहुत ही टैलेंटेड, 240 कुछ ज्यादा विकेट नहीं खोए। ध्रुव ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन सबसे बेहतरीन बैट्समैनशिप देखा हमने प्रदीप के द्वारा। भोजपुरी गति भी अच्छी है, और ये देखिए आप। और सुदीप भी संभाल नहीं पाए, उनके भी जाके पेट में लगी बॉल, तो कैरी बहुत बढ़िया। पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है, पेस है, वो बॉल के पीछे जा रही है, ये सबसे पहली बात सिखाई जाती है। अपराइट एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है, देखिए। ओह ओह क्या बात, मुझे तो लगता है कि स्लिप लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे अतुल, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप और जिस तरह से खेल रहे हैं मनोज तिवारी, कोशिश कर रहे हैं कट करने की, और मौका बन सकता है एज लगे तो स्लिप में कैच आए। और चार पांच गेंद में दो तीन बार ये फील्ड बदल चुके हैं अब तक सुदीप, ये इनकी खासियत है। इनको काफी सालों से मैं देख रहा हूँ और इतने सालों से ये कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की, और इतनी बढ़िया, ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है। मुझे लगता है कि अब तो खुद ही पता लग जाना चाहिए कि कहाँ खड़ा हूँ, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा हो। और मनोज तिवारी में वही शॉट खेला है पिछली चार गेंदों से। मूवमेंट मिल रही है प्रदीप को, कंट्रोल शायद थोड़ा चाहिए और कंसिस्टेंसी लाइन और लेंथ में। और एक बात भी है, मनोज तिवारी ऐसे जैसे खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एज लगने वाला है। ओह क्या बात है, कोई बेहतर अगर क्वालिटी का, अगर टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज हो तो इसमें एज लग चुका होता अब तक। ये बहुत अच्छी गेंद थी असल, देखे और हल्की सी बाहर की तरफ निकली, और कहीं फुटवर्क नहीं है मनोज तिवारी का, इरादे तो अच्छे हैं। और ये अंदर की तरफ गेंद लाए प्रदीप ने, बल्ले पर लगी मनोज तिवारी के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका बड़ा होगा। लकी लकी स्ट्रोक मनोज तिवारी के लिए, कट करने की कोशिश, बाय। ओह ऐसे लगा कि शायद आवाज आई, लेकिन अंपायर का इशारा बाय। पहला ओवर समाप्त, 6 रन बिना कोई विकेट खोए। तो दूसरा ओवर फेंकेंगे ध्रुव कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। भोजपुरी दबंग के सामने एक बड़ा टारगेट, 241 बनाने हैं जीत के लिए। पहले ओवर में बनाए 6। ध्रुव राइट आर्म फास्ट मीडियम या मीडियम फास्ट,
पार्ले जी एंड से गेंदबाजी करेंगे। शबाश प्रवेश, शबाश देख के।